हेलो दोस्तों, गेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं राज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज आप देख पा रहे हैं ल्यूमिनस शक्ति चार्जर प्लस का 1450 VA का ये इन्वर्टर है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, जब मैं बैटरी से सप्लाई दे रहा हूँ तो ये 220 वोल्ट आउट कर रहा है, ठीक, लेकिन जब लाइन आ रहा है, सप्लाई आ रहा है, तो ये उसको आउट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो मैं उसको अभी आपको चेक करके दिखाता हूँ। के आउटपुट में मैं लगा देता हूँ और इन्वर्टर का इनपुट बाहर रखता हूँ। अभी अब देखिए, ठीक है, ऑन हो गया, ठीक है, सिर्फ अब UPS ऑन है। अब देखिए, मैं इसको सप्लाई देता हूँ, यहाँ देखिए आप, ठीक है, सप्लाई दे दिया गया, लेकिन यहाँ पे मेंस ऑन नहीं हुआ। ठीक है, मल्टीमीटर को एसी रेंज में लगा दीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये लीड और जो फेज है, फ्यूज जो है, उसको चेक करना है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ ओके है। देखिए, यहाँ से मैंने इसको ऑफ कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये लाइन इन और कॉमन पे देखिए, मैंने टच किया और वहाँ पे देखिए आप मल्टीमीटर में आपको 220 वोल्ट, 243 वोल्ट लगभग एसी मिल रहा है। इसका मतलब सर्किट तक पहुंच रहा है, फिर भी आपका ये मेंस ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आइए मैं बताता हूँ इसको कैसे फिक्स करना है। तो सबसे पहले सप्लाई से निकाल दीजिए इसको, उसके बाद पीसीबी खोलने के लिए ये दोनों वायर को रिमूव कर लीजिए। जो जो वायर छोटा है उसको आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, हो गया, पीसीबी जब इतना तक मोड़ने लायक हो जाए तो आप रहने दीजिए। अब आपको देखना है क्या, सप्लाई देके मैं चेक करके तो बताऊंगा कि कहाँ तक सप्लाई जा रही है और कहाँ तक सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, अब मैं फिर से सप्लाई देता हूँ, सप्लाई दे दिया गया। ठीक है, और सप्लाई के बाद देखिए, बैटरी कनेक्ट है, बैटरी कनेक्ट है, फिर भी यहाँ पे आपका मेंस ऑन नहीं हुआ और चार्जिंग कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, मल्टीमीटर को एसी रेंज में लगा के देखिए, ये कॉमन हुआ और ये यहाँ पे इनपुट सप्लाई आपको मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इस ट्रांसफार्मर के पास एक रेजिस्टेंस 100 ओम का रेजिस्टेंस, 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा के यहाँ पे सप्लाई भेजा गया है। यानी कॉमन से यहाँ से एक रेजिस्टेंस देखिए, यहाँ यहाँ तक आया हुआ है यहाँ से, तो यहाँ तो ये तो रेजिस्टेंस सही है। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई आपको ड्रॉप करके मिल रही है। ठीक है, लेकिन एक रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ भी गया है। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ तो मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मिलना चाहिए जो कि नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो आप इस रेजिस्टेंस को चेक कीजिए। ठीक है, उसके लिए फिर से आपको सप्लाई रिमूव करके काम करना है, या तो स्विच कर दीजिए या फिर सप्लाई रिमूव कर दीजिए। अब देखिए, इस रेजिस्टेंस को कलर कोड आपको देखिए, कत्थी, काला और पीला। ठीक है, यानी 100 किलो ओम का ये है। ठीक है, मैं इसको बाहर निकालता हूँ। एक बार आप इस रेजिस्टेंस को देख लीजिए, जिसका कलर कोड है, ठीक है, कत्थी, काला, पीला, यानी ब्राउन, ब्लैक, येलो। ठीक है, इसका वैल्यू हो जाएगा आपको 100 किलो ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस पे मैं जल्दी ही वीडियो ला दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं जल्दी वीडियो ला दूंगा। ठीक है, तो इसको आप टेस्ट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस है तो 20 से ऊपर यानी 200 किलो ओम में लगा दिया। मल्टीमीटर पे मैं वीडियो डाल रखा हूँ, आप जाके देखिए, आपको निश्चिंत ही बहुत फायदा होगा। देखिए, ओपन है रेजिस्टेंस, कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपको एक दूसरा रेजिस्टेंस लेना है। देखिए, कत्थी मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, कत्थी, काला और पीला। ठीक है, इसका देखिए,
रीडिंग देखिए आपको 100, ठीक है 101.9, ठीक है। तो ये अप्रोक्स 100 ओम का रेजिस्टेंस है, बनाते समय थोड़ा सा एरर के चलते उतना था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पॉइंट को, दोनों पॉइंट को अच्छे से क्लीन करिए, ठीक है, रेजिस्टेंस रिमूव करने के बाद, और फिर से इस रेजिस्टेंस को लगा दिया। प्लेस वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, R10, ठीक है, R10 जो है वो आपका ख़राब था, आपको उसके बदले दूसरा रेजिस्टेंस लगा देना है। और ध्यान रहे, ये भी रेजिस्टेंस कभी ये ख़राब होता है, कभी ये ख़राब होता है, तो आप उसी हिसाब से अपना टेस्ट कर सकते हैं कि आपके केस में कौन ख़राब है। इससे क्या होगा, अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आपका इन्वर्टर जो है बैटरी से तो चलेगा लेकिन मेन ऑन ही नहीं होगा और ना ही बैटरी चार्ज होगी आपकी। फिर इसे अच्छे से सोल्डिंग कर दें। मैं फिर से इसको चेक करके आपको दिखा देता हूँ, जितने वायर आपने डिस्कनेक्ट किए फिर सबको लगा दीजिए, फिर इसको अच्छे से टाइट कर लीजिए, फिर चेक कीजिए, ठीक है। पीसीबी को अच्छे से टाइट कर लेने के बाद, ठीक है, एक बार आप कनेक्शन भी सब देख लीजिए, ठीक है। जब पीसीबी अच्छे से टाइट हो जाए तो फिर आपको सप्लाई देना है, ठीक है। देखिए मेंस ऑन हो गया, ठीक है, चार्जिंग में स्मार्ट चार्जिंग में मैं फैन बंद करता हूँ नॉइज के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कोई भी कन्फ्यूजन रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस तरह आप जुड़कर मेरे चैनल से सभी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को रिपेयर करना सीख सकते हैं, ठीक है। तो आशा है आप मेरे चैनल पे बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, बाय।